अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका अपना हसन अब्बास ज़ैदी हाज़िर खिदमत है। और आज जिस मेहमान शख्सियत को हमने गुफ्तगू की ज़हमत दी है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, लाहौर ही नहीं पूरे मुल्क में, और पूरे मुल्क में ही नहीं बैन अवी सतह पर इनकी एक ख़ास पहचान है। बहुत सारे ड्रामों में काम किया, लाजवाब किरदार अदा किए और अपनी अदाकारी के ही बल पर मुसलसल कामयाबी की जानिब गामजन है। और कोई नहीं, मेरे साथ मौजूद है अली अंजुम, और इस वक्त ये मैडम संगीता की डायरेक्शन में बनने वाली ड्रामा सीरियल जो है दो बूंद पानी, उसमें एक अहम नौयत का किरदार अदा कर रहे हैं। इनसे ही पूछते हैं कि वो किरदार क्या है और मैडम के साथ उनके जो साबका और मौजूदा तजर्बात हैं वो कैसे हैं। जी अली अंजुम जी, कैसे हैं आप? हसन भाई ठीक ठाक हैं। मैडम संगीता ऑफ कोर्स हमारे मुल्क की लेजेंड हैं और एक्टर्स भी हैं, खुद डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। उनके साथ काम करके हसन भाई इतना मजा आ रहा है कि आई कांट बिलीव कि मैं उनसे सीखने का भी मौका मिल रहा है। और मुझे तो कहीं डांट नहीं पड़ रही, मैं इस ड्रामे में कर रहा हूँ एक नेगेटिव कैरेक्टर, साउथ भी है, उनका राइट हैंड मैं बोला जो उनके लिए सारे काम करता है, जो भी वो मुंह से निकालते हैं उसे पूरा करना मेरा काम है। तो मतलब एक ऐसा खतरनाक कैरेक्टर है कि जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भोला करता क्या। माई कैरेक्टर नेम इज़ भोला। और मजे की बात है कि ये रोतकी ड्रामा है, थारे साथ मन्ने ये वाली बोली है। आई रियली लाइक, आई रियली एंजॉय दिस सीरियल। बट इसमें जो सबसे मजे की चीज़ है, गर्मियों में रेत में जाएगा, आपके साथ वहाँ भी काम किया, बहुत अच्छा लगा। साउथ भाई हैं इसमें, आमना इलियास हैं, जैन बेग हैं, अरबाज खान हैं, मोहसिन गिलानी हैं और रिचल हैं, रिचल गिल। बहुत सारे, मेरा जो कैरेक्टर बेस करता है वो रिचल गिल के साथ इश्क करता है, साई वो साई से इश्क करती है और ये रिचल गिल से, मतलब जो भूरी है हमारे कैरेक्टर में, उससे इश्क करता है। तो भोला इज अ वेरी, समझ लेंगे, अजीब सा कैरेक्टर है, इश्क भी करता है और अदब भी करता है, और एक मकाम पे आके इश्क जीत जाता है और अदब हार जाता है, क्योंकि वो साईं जो गलत काम कर रहा है इस वजह से वो उसके अगेंस्ट चल रहा है। ये मेरा कैरेक्टर से है। अच्छा अली, आप ये बताइए, टिपिकल कैरेक्टर है इस किस्म के, किसी करेक्टर से पहले भी आपका वास्ता पड़ा है या ये पहली बार ही सहराओं के बासी का किरदार कर रहे हैं? ये समझ लें पहली बार उसमें, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी, इसकी बोली बहुत मजे की है, तारे साथ क्या वार्ता करे तो रहे, अल्लाह हमारे साथ ही रहे। इसमें मैंने एक शेर भी पढ़ा, अल्लाह चीज हो गए तो जीरो रह जाए। नाज़रीन, आपने अली अंजुम की बातें सुनी और उन्होंने बताया कि ये जो है करेक्टर जरा हटकर है और ऐसे करेक्टर उन्होंने बहुत काम किए हैं, तो हमारी बेस्ट विशेज हैं कि इस करेक्टर में भी जैसे सबका किरदार में छा जाते हैं वहाँ भी छा जाए और इनको बहुत सारी पसंदाई मिले। तो मुझे और बहुत ही हमारे लाडले अली अंजुम को इजाज़त दीजिए, फिर हम एक नए मेहमान और नए फनकार के साथ हाजिर हैं।